तुम यहां कैसे? जब देवकी मुझसे कहती थी कि तुम उससे मिलने के लिए आते हो तो मैं विश्वास नहीं करता था, परंतु कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? भ्रम है तो विश्वास नहीं हो सकता पिताजी, और विश्वास है तो भ्रम दूर से ही भाग जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है पुत्र, परंतु कंस के दुर्विचार उसके सामर्थ्य को समर्थन दे रहे हैं। उसका हट, उसका क्रोध, उसके अमर बनने की लालसा उससे बड़े से बड़ा पाप करवा सकती है, उससे बड़े से बड़ा अत्याचार करवा सकती है। मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ पुत्र। मेरी चिंता छोड़ दीजिए पिताजी। कैसे छोड़ दूँ पुत्र? दुष्पापी कंस तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन बैठा है, और अब तो उसने अरिष्टासुर का अरिष्ट मैं समाप्त कर दूंगा। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करो, अपने पुत्र पर विश्वास रखिए। ये विश्वास आपकी सारी पीड़ाएं हर लेगा, सारे कष्ट दूर कर देगा। कंस मामा जी को उनके कर्मों का फल मिलेगा। मैं हूँ ना? कैसा लगा पिताजी से मिलकर? भैया, उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई, और ये जानकर दुख भी हुआ। अच्छा, क्या कह रहे थे पिताजी? वो निराश थे भैया। कन्हैया, तुम समय के चक्र को शीघ्र घुमा दो ना। किस चक्र को घुमाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? मैया, मैया, तुम दोनों के लिए माखन लेकर आई हूँ, लो खा लो। भैया, किसी भी समय अरिष्टासुर गोकुल में प्रवेश कर सकता है, हमें चलना होगा, चलो। अरे अरे कृष्ण, बलराम, अरे रुको तो जरा, कहाँ जा रहे हो? माखन तो खाते जाओ। बलराम रुको। अरे कृष्णा नहीं है तो क्या हुआ? यशोदा, कृष्णा का पिता है ना माखन खाने के लिए। इधर दीजिए। माँ जी, आप धीरे धीरे चल रही हैं, तनिक जरा पाव बढ़ाइए। आयु जो जो बढ़ रहते हैं तो पाँव छोटे होते हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई दंड भुगत रहा हूँ। क्यों, तुम्हें धीरे चलने में कष्ट हो रहा है क्या? मुझे मेरी उत्सुकता मुझे कष्ट दे रही है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र कृष्ण से मिलना है। चलिए। अब क्यों रुक गए तुम? अब ये मत कहना कि मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अब तो घर जाकर ही आराम करोगी, गोकुल अब अधिक दूर नहीं है। अरे तुम्हें तो दिखाई तो देता नहीं है, और कहते हो कि गोकुल अब अधिक दूर नहीं है। अपने गांव की धरती की सुगंध और वह तो कौन नहीं पहचानता, तुम्हारे जैसा मूर्ख ही नहीं पहचानता होगा। बुढ़िया, मारूंगी एक थप्पड़। घूम फिर कर आ गया अपने वास्तविकता पर। तुझ पर अच्छे संस्कार नहीं हुए हैं।
इतना तो मैं विश्वास से कहती हूँ। तभी तो बड़ों का आदर करना नहीं जानता तू। गोकुल पास आते ही तेरी जबान कैची की तरह चलने लगी। यहाँ बुढ़िया, गोकुल अभी पास नहीं है मूर्ख। अवश्य कृष्ण पास ही होगा, तभी मेरा मन निर्भय हो गया है। अच्छा हाँ? जब कृष्ण नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या करोगी? हाँ, कौन हो तुम बताओ, कौन हो तुम? कृष्ण का बुरा सोचने वाला केवल मथुरा का राजा कंस है। कहीं तुम कंस तो नहीं? नहीं, मैं कंस नहीं हूँ। परंतु तुम जो कृष्ण के बारे में कह रही हो वो यथार्थ नहीं है और उस पर मेरा विश्वास नहीं है। कृष्ण को देखोगे तो विश्वास हो जाएगा क्योंकि कृष्ण भगवान है। अब ये बुढ़िया मुझे कृष्ण तक ले जाएगी और सारे घर को आग लगा के मैं कृष्ण का अंत कर दूंगा। कहीं ये बच्चा वही कृष्ण तो नहीं जो बुढ़िया को दादी माँ कहकर लिपट रहा है? चलो घर चले। चलो काना, हमने क्या निर्णय लिया था? शत्रु के साथ युद्ध गोकुल में नहीं, गोकुल के बाहर करेंगे। ठीक कह रहे हो भैया, ये तो गोकुल के अंदर जा रहा है। सुंदर और दादी का भी भय लग रहा है। अरिष्टासुर उन्हें भी हानि पहुंचा सकता है। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। अभी बताता हूँ। कहाँ गए वो दोनों? प्रभु कहीं वो दोनों आग में तो नहीं जल गए? कृष्ण को तो आग में ही जलना था। ये शुभ समाचार मैं मथुरा नरेश को बताता हूँ। संभव नहीं है अंत।
समझ में कुछ नहीं आ रहा। चारों ओर देखती हूँ किंतु आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती। समय के साथ साथ मथुरा नरेश का व्यवहार भी परिवर्तित होता जा रहा। दिन प्रतिदिन उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। महर्षि क्या करूं महर्षि। और ना वो किसी के रोकने से रुकेगा पुत्री। क्यों महर्षि? क्योंकि तुम्हारा पति मथुरा नरेश कंस एक असुर है पुत्री। असुर? एक असुर कभी भी अपनी असुरी प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता। महर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मथुरा नरेश कंस एक असुर है? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा पति मथुरा नरेश कंस एक असुर है पुत्री, इसलिए उसका व्यवहार आसुरी है। महाराज कंस को जानने के लिए तुम्हें महाराज कंस के जन्म के भेद को जानना होगा, जो आज तक सभी से छिपा है। मैं नहीं चाहता था कि ये भेद सबके सामने खुले, लेकिन तुम्हारी व्यथा और तुम्हारा दुख देखकर मुझे ऐसे लगा कि आज ये सत्य मैं तुम्हें बता ही दूं, जो काल के गर्भ में छिपा है। पर वो भेद क्या है महर्षि? पुत्री, ये बात उन दिनों की है जब महाराज उग्रसेन युवा थे और उनका विवाह महारानी नंदिनी से हुआ था। एक दिन दोनों पति पत्नी वन विहार के लिए गए थे। मुझे इस युवराज का वध कर देना चाहिए। इसका वध होते ही ये युवती मेरी बाहों में अपने आप आ जाएगी। नहीं, मगर ये उचित नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो ये युवती मुझसे घृणा करने लगेगी। इसके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न होगी। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? उपाय है। अगर ये उपाय सफल हो गया तो ये युवती हंसते हंसते स्वयं तुम्हारी बाहों में आ जाएगी, अपने आप को पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित कर देगी। और इसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम द्रव्यरासुर हो। क्या हुआ? कहाँ देख रही हो तुम? कितना प्यारा है ना, मन करता है उसे अपनी गोद में ले लें। क्या हम सभी प्यारा है? हाँ। तो ठीक है, महारानी नंदिनी, आपका ये सेवक आपके इस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेगा। मैं उस खरगोश को लाकर आपकी गोद में डाल दूंगा। परंतु? परंतु क्या? परंतु आपको भी हमारी इच्छा पूरी करनी होगी।
लीजिए महारानी नंदिनी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। कौन सा वचन? वही जो ये सुंदरवन चाहता है, ये उपवन चाहता है, ये ठंडी हवा का झोंका चाहता है। अरे नंदिनी, अरे सुनो तो सही नंदिनी। तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और इसे पाने के लिए ही मैंने ये रूप धरा था, ये माया रची थी। और मेरी माया सफल रही। नंदिनी, महाराज उग्रसेन ने इसे विधि का विधान मानकर महारानी नंदिनी से कभी घृणा नहीं की, उन्हें वही सम्मान दिया जो मथुरा की महारानी का था, और द्रमिल राक्षस से ही महारानी नंदिनी को कंस जन्मा। इसका अर्थ ये हुआ महर्षि कि महाराज उग्रसेन मथुरा नरेश कंस के पिता ने नहीं, कंस का पिता एक असुर है महारानी, इसलिए कंस में आसुरी प्रवृत्तियां है। उसका आचरण वैसे ही है जैसे एक असुर का होता है। मेरे विचार से अब आपको अपनी व्यथा का उत्तर मिल गया होगा। अरिष्ट असुर, मैं भली भांति जानता था अरिष्ट असुर कि जो काम कोई और नहीं कर सकेगा वो तुम अवश्य कर लोगे। मथुरा नरेश, मुझे मिले इस वरदान पे आज मुझे गर्व हो रहा है, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको चिंता मुक्त कर दिया है। चिंता मुक्त नहीं अरिष्ट असुर, तुमने मुझे मृत्यु मुक्त कर दिया। मृत्यु मुक्त अर्थात अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मृत्यु दे सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया अरिष्ट असुर। इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है अरिष्ट असुर। आज्ञा मथुरा नरेश। हमारे मित्र अरिष्ट असुर के लिए राजकोष के सारे द्वार खोल दिए जाए, इसे जब चाहिए जितना चाहिए ले जाने दिया जाए, और
महारानी केशनी। आइए आइए, हम आपको अपने मित्र अरिष्टासुर से मिलवाएं। हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अरिष्टासुर ने कृष्ण को आग में जलाकर मार दिया। कृष्ण आग में जलकर भस्म हो गया। क्या ये सत्य है अरिष्टासुर? जी महाराज। अरिष्टासुर, महारानी केशनी को तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। महारानी, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, ये वरदान है मुझे। मैं जानती हूँ। और मैंने उसी वरदान का लाभ उठाया। असुर से मनुष्य बनकर कृष्ण से मैंने मित्रता की। चाणूर। आज्ञा मंत्र नरेश। कृष्ण की मृत्यु का उत्सव मनाया जाए। अवश्य महाराज, अवश्य। दादी माँ को क्या हो गया? दादी माँ, नहीं ये तो शंकु है। शंकु, तुम क्या कर रहे हो यार? यत्र सर्व बात है श्री कृष्ण प्रभु का वास, हर पल हर क्षण सबको संगी बनाए, कृष्णा सबके साथ है। दादी माँ, ये तो कृष्ण नहीं, ये तो सुंदर है। मैं सुंदर हूँ? सुंदर है कृष्णा सबके कदाचित तुमने ही मुझे साक्षात्कार कराया होगा।
जगत तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया हुआ, इसलिए तुम हर दिशा में, हर कहीं, हर जगह तुम ही नजर आते हो, तुम ही दिखाई देते हो, हर किसी के साथ तुम ही खेलते हो और तुम ही सभी को नचाते हो, है ना कृष्णा? दादी माँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चतुर हो तुम कृष्णा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो। ये पता है, एक सज्जन तुम्हें मिलने के लिए गोकुल आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गोकुल छोड़ा था। नहीं दादी माँ, वो सज्जन नहीं है, वो दुर्जन है। दुर्जन? हाँ, राक्षस है। मैंने उसे गोकुल से दूर भेज दिया है। ऐसे हंसता है। अनर्थ हो गया महर्षि, घोर अनर्थ। अनर्थ? कैसा अनर्थ? यदि अनर्थ हुआ होता तो सूर्य देव अपने स्थान से विचलित हुए होते, परंतु वो अपने ही स्थान पर हैं। यदि अनर्थ हुआ होता तो चींटी ने पर्वत को निगल लिया होता महारानी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यदि अनर्थ हुआ होता तो प्रलय आ गई होती महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सृष्टि की लय में कोई बदलाव नहीं आया है महारानी। तो फिर गुरुदेव? कृष्ण सुरक्षित है महारानी, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप कृष्ण के संदर्भ में ही प्रश्न करने आई थी ना? कृष्ण की मृत्यु के विषय में व्याकुल हुई थी ना? मैं आपकी मनोदशा अच्छी तरह पढ़ सकता हूं। एक ओर आपका पति है तो दूसरी ओर जगत प्रभु श्री कृष्ण है। एक ओर श्राप है, दूसरी ओर आशीर्वाद है। एक ओर अधोपतन है, दूसरी ओर उन्नति है, उद्धार है। परंतु महर्षि, पति के उद्धार के बिना मेरा उद्धार व्यर्थ है। मुझे पति के कर्मों में उनका साथ देना चाहिए। मुझे पति का साथ देकर अपने पत्नी धर्म निभाना चाहिए। किंतु गुरुदेव, कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे विचलन क्यों हुआ गुरुदेव? मुझे अपने पति के अमर होने की हार्दिक प्रसन्नता क्यों नहीं हुई गुरुदेव? कृष्ण की लीला को जानने का प्रयास कीजिए महारानी, क्योंकि आप महाराज कंस की सद्सद विवेक बुद्धि है। परंतु महर्षि, मथुरा नरेश तो अविवेक का ही साथ देते हैं। मैं उन्हें कितना समझाने का प्रयास करती हूँ, किंतु महर्षि, वो मेरी एक नहीं समझते। मैं क्या करूं गुरुदेव, क्या करूं? जिस प्रश्न का उत्तर मानव ढूंढ नहीं सकता, उस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। आपके मन में उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ही देंगे, क्योंकि उन्हीं के पास हर प्रश्न का उत्तर है। सवालों का कृष्णा ही दे पाए, क्या कब कैसे होएगा, लीला वही रचाए। कृष्ण
क्या? वह भोजन तुम्हारे लिए उचित नहीं है कृष्णा। अरे ये निर्णय तो भोजन खाने के बात करेंगे कि ये भोजन मेरे लिए उचित है या अनुचित है। पहले रोटी लेकर आओ, बाद में निर्णय करेंगे। श्री दामा, भोजन निकालो, छुपा कर क्यों रखा है? तुम्हारी इच्छा सारा भोजन अकेले खाने की तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है कृष्णा। तो फिर शीघ्र भोजन सामने रखो, शीघ्र अति शीघ्र श्री दामा, क्योंकि हम सबको भूख लगी है। हाँ, हमें भी भूख लगी है। अरे कृष्णा तो सबका मुखिया बन गया है। कल की बासी रोटी है कृष्णा। तो क्या हुआ, तुम खाओगे कृष्णा? क्यों नहीं खाऊंगा, अरे इसी रोटी में स्वाद होता है। मेरे मुंह में इसे देखकर पानी आ रहा है। चलो कृष्णा का जूठा खा रहे हैं। हमारी रोटी खाओगे ना? कृष्णा से कहो ना कि वो अपनी जूठी रोटी हमें दे खाने के लिए। कृष्णा ये रोटी हमें भी दो ना। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? होते जा रहे हो कृष्णा, हम सब तुम्हारे सामने यहाँ अकेले याचक की तरह खड़े हैं और तुम अकेले ही रोटी खाए जा रहे हो। हमें भी दो ना। जमुना, रोटी नहीं बची है, समाप्त हो गई है। अरे तो ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरी रोटी है, इसे खा रहा हूँ। इसी में से छोटे छोटे टुकड़े करके हमें भी दे दो ना। नहीं दूंगा। कृष्णा तुम मेरे हो ना? हाँ।
मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन ये रोटी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। थोड़ी सी दे दो। नहीं दूंगा। दोना कृष्णा, तो अमृत जैसा है। मैया, मैया, चमला ने मेरी रोटी खा ली। मैया, मैया बचाओ, मैया, मैया मुझे इस अग्नि से बचा लो। इसी प्रकार कृष्ण ने पुकारा होगा यशोदा मैया को आग की लपटों से बचने के लिए, है ना अरिष्टा सर? सही पुकारा था। मथुर नरेश कुमार के चाणूर को प्रणाम। आओ अमाते चाणूर, आओ। महाराज, आपके कहे अनुसार मैं अपने साथ ज्योतिष आचार्य को लेकर आया। प्रणाम राजन। आइए आचार्य, आइए विराजिए। आचार्य, आप अपनी पोथी देकर बताइए मथुरा नरेश का भविष्य क्या है। आचार्य, बताइए कि हमारे ग्रह योग क्या कह रहे हैं। ग्रहमान उत्तम है मथुरा नरेश। मथुरा नरेश कंस के ग्रह योग है, उत्तम ही होने चाहिए। क्योंकि आपकी मृत्यु को मृत्यु जो मिल गई है, परंतु अब इस बीच में परंतु क्यों आचार्य? महाराज, आपकी कुंडली में 5 से 6 साल बाद मृत्यु योग दिखाई दे रहा है। आचार्य, कुंडली में जो ग्रह योग बन रहा है उसी को देखकर कह रहा हूँ महाराज। आचार्य, अवश्य ही आपने त्रुटिपूर्ण ग्रह योग पढ़ा होगा। नहीं आमत्य चानूस, मुझसे त्रुटि हो ही नहीं सकती। मैं महाराज मथुरा नरेश का ही ग्रहमान देख रहा हूँ, और महाराज की कुंडली में मृत्यु योग है। आचार्य, मैंने स्वयं महाराज कंस के मृत्यु को मृत्यु दी है, फिर ये कैसे हो सकता है? मृत्यु योग है मान्यवर। एक्शन। आचार्य, तुम्हारी उस पोथी में तुम्हारा भविष्य है? हाँ महाराज। क्या कहता है तुम्हारा भविष्य? मैं अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार के साथ सुख चैन से बिताऊंगा महाराज। आचार्य, तुम्हारा भविष्य वो पोथी नहीं, तुम्हारा भविष्य मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो महाराज। इस ढोंगी आचार्य को ले जाओ, कारागार में डाल। जब इसे अपना ही भविष्य नहीं पता तो हमारे भविष्य के विषय में क्या बताएगा? मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, मैंने वही कहा है जो आपकी कुंडली का योग कह रहा है, और आपकी कुंडली में मृत्यु योग है, और मैंने वही कहा है महाराज। आज के बाद तुम तुम्हारा पूरा जीवन हमारे कारागार में व्यतीत करो। ले जाओ उसे। सिपाही, ले जाओ उसे और डाल दो कारागार।
राम कंस। मैया लीजिए, आ गया आपका माखन चूर। कान्हा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कन्हैया, क्या हुआ मेरे लल्ला को, क्यों रो रहे हो? अरे, जो दूसरों के मुख पर हंसी के फूल खिलाता हो, आज वो स्वयं रो रहा है। नंदरानी जी, काना अब नाटक करने लगा है। क्या नाटक? मैं और नहीं तो क्या? मैया, जमुना ने मेरी रोटी खा ली। क्या जमुना, बच्चे को जन्म देने के बाद तुम भी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी हो? अरे यशोदा, पहले जमुना से पूछ तो लो कि उसने कान्हा की आधी रोटी खाई भी है या नहीं। खाई है नंदराय जी। हाँ? देखो मैया, सुनिए, खाई की बोल रही है। जमुना ने मेरी रोटी खाई, वो रोटी खाई जो मेरी खाई हुई थी। अर्थात झूठी रोटी? हाँ मैया। जमुना, ये कैसा विचित्र व्यवहार है तुम्हारा? बुरा मत मानिए नंदरानी जी, परंतु ऐसा अवसर अगर फिर कभी मिले तो केवल मैं ही क्या, हर कोई कृष्ण की झूठी रोटी खाना चाहेगा। ये कैसा पागलपन है जमुना? आपके लिए पागलपन हो सकता है नंदराय जी, परंतु हमारे लिए तो ये भक्ति है। हम सबके कृष्ण पर श्रद्धा है। कृष्ण की झूठी रोटी, झूठा माखन हमारे लिए अमृत जैसा है। अमृत जैसा ही क्या, अमृत है, क्योंकि हमारे लिए वो झूठन भगवान का प्रसाद है। कृष्ण का झूठा खाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से बाहर तक पवित्र हो गई। मुझे वही रोटी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ हाँ कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए दूसरी रोटी ले आती हूँ। नहीं मैया, दूसरी रोटी नहीं चाहिए, वही रोटी चाहिए जो जमुना ने खाई थी। अगर तुमने हमारी मटकी नहीं फोड़ी तो हम फिर से तुम्हारी रोटी खा जाएंगे कान्हा। मेरी रोटी फिर खाओगी? मैं तुम्हारी मटकी अभी फोड़ देता हूँ। कान्हा, सांप,
जमुना, ऐसे ही होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हरे।